नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए बढ़ा दी तारीख। पटना के 20 प्रखंडों के लगभग 1,00,000 लोगों को मिलेगी बाढ़ राहत की राशि। बिहार में अब 102 नंबर डायल कर सरकारी और प्राइवेट सभी एम्बुलेंस आएंगे आपकी सेवा में। बिहार के 13 जिलों में ग्राहक अब घर बैठे कर सकेंगे सोने की शुद्धता की जांच। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में अब 102 नंबर डायल कर सरकारी और प्राइवेट सभी एम्बुलेंस आएंगे आपकी सेवा में। कोरोना काल में बिहार के लचर स्वास्थ्य सेवाओं की बकिया उघेड़ने के बाद अब बिहार सरकार प्राथमिकता के साथ इन्हें दुरुस्त करने की प्रयास कर रही है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब 102 नंबर डायल कर सरकारी हो या प्राइवेट सभी एम्बुलेंस को घटना स्थल पर आप बुला सकते हैं। सरकार ने सभी एम्बुलेंस के लिए एक नंबर 102 को निश्चित कर दिया है। इसके मुताबिक जो भी एम्बुलेंस घटना स्थल के नजदीक उपलब्ध होंगी उन्हें भेज दिया जाएगा। यह निर्णय सड़क दुर्घटना को विशेष कर ध्यान में रखकर लिया गया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि इससे पहले 102 नंबर पर डायल करने से केवल सरकारी एम्बुलेंस ही पहुंचती थी, मगर इस फैसले के बाद पास की कोई भी एम्बुलेंस मौके पर पहुंचेगी जिससे सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को समय पर इलाज देकर उनका बचाव किया जा सकेगा। तिरहुत रेंज में बड़े पैमाने पर हुआ पुलिस अधिकारियों का तबादला। बिहार के तिरहुत प्रमंडल के आईजी ने वृहद पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। बीते दिन इसे लेकर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित हुई जिसमें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया के एसपी ने भी भाग लिया। बैठक में फैसला लेते हुए स्थानांतरण समिति ने 4 पुलिस निरीक्षकों, 61 पुलिस अवर निरीक्षकों, 116 सहायक अवर निरीक्षकों, 70 हवलदारों एवं 642 सिपाहियों का तबादला किया गया है। इस तबादले में पूर्णिया जिले से कुल 1, कटिहार जिले से 1 व अररिया जिले से 2 पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया। वहीं पूर्णिया जिले से कुल 25, कटिहार से 13 और अररिया जिले से कुल 23 पुलिस अवर निरीक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। मत्स्य पालकों के लिए लाभकारी योजना को जल्द धरातल पर लाएगी सरकार। बिहार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी अक्सर ही मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। वहीं अब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने एक बयान में कहा है कि मत्स्य पालकों के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के द्वारा मंत्रालय को संभालने के बाद से ही मत्स्य पालन करने वालों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। 4 साल के बाद इस साल से मछली बीमा योजना लागू किया जा रहा है। योजना की अधिसूचना अगले महीने जारी होगी। इस योजना के अंतर्गत बाढ़, सुखाड़, बीमारी या फिर प्राकृतिक आपदा में मछली के मरने या फिर उत्पादन कम होने पर मछली पालकों को इसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी। साथ ही बीमा रहने पर क्रेडिट कार्ड से लोन भी मिलेगा, वही अन्य सरकारी सहायताएं भी मिलेंगी। कथावाचक के रूप में पूर्व डीजीपी ने नकार दिया सुशांत सिंह के मर्डर होने की बात। इन दिनों बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अध्यात्म की ओर अपना रुख करते नजर आ रहे हैं। इस बार वो राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि राम जन्मभूमि अयोध्या में कथा वाचन करने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस क्रम में एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दरमियान उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बड़ा बयान दिया है। आज तक चैनल द्वारा एक सवाल के जवाब में उन्होंने सुशांत की हत्या होने की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इस बात को कभी नहीं कहा गया कि सुशांत का मर्डर हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुशांत सिंह की मौत के केस के जांच भी कर रहे थे, तब उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर विवादित टिप्पणी भी कर दिया था, जिस पर अब उन्होंने माफी भी मांगी है। जारी होगी बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने से पहले गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह के मौत के केस में अपनी उपस्थिति दिखाई थी। हालांकि उनका राजनीतिक करियर फेल होने के बाद अब वो कथा वाचक के रूप में कथाएं कर रहे हैं। बिहार के 13 जिलों में ग्राहक अब घर बैठे कर सकेंगे सोने की शुद्धता की जांच। केंद्र सरकार द्वारा हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू करने के बाद बिहार में 13 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इन जिलों में सोना खरीदने वाले ग्राहक अब घर बैठे सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। दरअसल 1 जुलाई से 2 ग्राम वजन से अधिक हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी पर HUID हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन की मुहर लगी होगी, जिसका सीधा संपर्क भारत मानक ब्यूरो यानी कि BIS के पोर्टल से होगा। ऐसे में जब ग्राहक BIS के पोर्टल पर सोने के आभूषण में मार्क किए हुए HUID को डालेंगे तो आभूषण को बनाने वाले ज्वेलर, हॉलमार्किंग सेंटर और सोने की शुद्धता की सारी जानकारी उन्हें उस पोर्टल से मिल जाएगी। हालांकि पुराने ज्वेलरी की शुद्धता की जांच इसके तहत नहीं हो सकेंगे। बता दें कि बिहार में पटना, समस्तीपुर, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया, सारण, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय जिले में फिलहाल सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है। इन जिलों में 25 हॉलमार्किंग सेंटर हैं।
पटना के 20 प्रखंडों के लगभग 1,00,000 लोगों को मिलेगी बाढ़ राहत की राशि। बिहार के पटना जिले में 3 नदियों गंगा, सोन और पुनपुन के कारण बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। ऐसे में जिले के 20 प्रखंडों को सूचित किया गया है जो कि बाढ़ प्रभावित है या फिर वहां बाढ़ आने की संभावना है, और यहां रहने वाले करीब 99,000 से ज्यादा लोगों को सरकार की तरफ से बाढ़ राहत के रूप में रुपए मिलेंगे। इसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की मॉनिटरिंग में ऐसे 99,607 लाभुकों का डाटा अपलोडिंग का काम पूरा हो चुका है। इन लाभुकों के डाटा को उनके नाम के साथ आधार नंबर की टैगिंग कर इस लिस्ट को अद्यतन करने की कार्रवाई अभी की जा रही है, जिसके बाद सही लाभुकों को बाढ़ राहत के रूप में प्रति परिवार 6,000 रुपए समय से उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में ICMR के सहयोग से 10 नए RT-PCR जांच लैब की हुई शुरुआत। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हुआ है, ऐसे में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अभी से दुरुस्त किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य में 10 नए RT-PCR जांच लैब का शुभारंभ किया गया है। इसे ICMR के सहयोग से राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और जिलों को RT-PCR मशीन दिए गए हैं। इसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वर्चुअल माध्यम से किया है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ी है। सभी सदर अस्पतालों में RT-PCR लैब सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इस बीच सोमवार को 10 जिलों में नए जांच लैब भी शुरू हुए हैं। फिलहाल राज्य में अभी कुल 67 RT-PCR काम कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए बढ़ा दी तारीख। बिहार के सभी प्लस टू स्कूलों और कॉलेजों में इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत पहले छात्र छात्राएं बोर्ड की ओर से जारी OFSS की वेबसाइट पर 19 जून से 28 जून तक ही ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते थे, जिसे 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इंटर में नामांकन के लिए आज 29 जून से 3 जुलाई तक फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में एहतियात के रूप में छात्र छात्राएं ऑनलाइन फॉर्म बोर्ड के द्वारा जारी वेबसाइट www.offssbihar.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस बार OFSS के माध्यम से फॉर्म भरते वक्त जो भी विकल्प दिए जाएंगे उन्हें ही अंतिम विकल्प माना जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बिहार के वैशाली जिले के प्रखंड प्रमुख की ओर से दायर किए गए एक याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक अब राज्य की पंचायती व्यवस्था में प्रखंडों के प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ उनके कार्यकाल में केवल एक बार ही उनके अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बीते दिन सोमवार को चीफ जस्टिस संजय करोल ने 77 पेज का यह फैसला सुनाया है। इससे पहले तक की व्यवस्था में हर 2 साल के बाद प्रखंड प्रमुख या उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का प्रावधान था, मगर अब उनके पूरे कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का प्रावधान हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वैशाली के प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख को तुरंत बहाल करने के निर्देश भी जारी किए हैं। लोजपा के चिराग गुट ने पार्टी प्रवक्ताओं की नई लिस्ट को किया जारी। लोक जनशक्ति पार्टी में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा पार्टी की मजबूती को लेकर कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसके तहत बीते दिन सोमवार को लोजपा के चिराग गुट के द्वारा पार्टी प्रवक्ताओं की एक नई लिस्ट को जारी किया गया है। इसके तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रवक्ता पैनलिस्ट और मीडिया प्रभारी की सूची को जारी किया है। इसके मुताबिक लोजपा नेता अशरफ अंसारी, सुरेंद्र विवेक, राजेश भट्ट, अजय कुशवाहा, अमर आजाद और विनीत सिंह को प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं 13 पार्टी नेताओं को प्रवक्ता पैनलिस्ट की सूची में रखा गया है, जिनमें महिला चेहरे के साथ कई नए चेहरे भी शामिल है। साथ ही लोजपा के कृष्ण सिंह कल्लू को मीडिया प्रभारी की भी जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान ने अहमदाबाद में पीएम मोदी के करीबी से की मुलाकात। लोजपा में टूट होने के बाद से ही चिराग पासवान को बिहार में विपक्षी पार्टियों की तरफ से खुलेआम समर्थन मिला है, मगर खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग की मंशा अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। इस बीच चिराग पासवान पटना और दिल्ली का रुख करने के बाद बीते दिन सोमवार को अचानक अहमदाबाद पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वहां उन्होंने पीएम मोदी के एक करीबी नेता से मुलाकात की है। चिराग के गुजरात ट्रिप का असर बिहार की सियासत में भी दिख रहा है। अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि चिराग पासवान अहमदाबाद में पीएम के करीबी नेता से क्या बातचीत करने गए हैं और इसका क्या राजनीतिक महत्व हो सकता है, मगर बिहार में उनके चाचा पारस के गुट में और विपक्षी पार्टियों में यह चर्चा का विषय बन चुका है कि चिराग अब अपना अगला दांव क्या खेलने वाले हैं। सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से लोजपा में हुई टूट के मामले में दखल देने की मांग की है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के साथ संबंध को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ी चुप्पी। बिहार की राजनीति में रालोसपा पार्टी को खत्म कर खुद को जदयू में विलय करने वाले उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के बीच संबंधों को लेकर चर्चा बनी रहती है, क्योंकि कुशवाहा के जदयू ज्वाइन करने के बाद से अब तक उन्हें किसी भी मंच पर RCP सिंह के साथ नहीं देखा गया है। इस बीच एक निजी न्यूज चैनल में बातचीत के दौरान कुशवाहा ने अपने और RCP सिंह के साथ संबंधों के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उनके बीच
संबंध काफी बेहतर है। हाल ही में उनके बीच बातचीत भी हुई जब कोरोना संकट के बीच वे दिल्ली में थे। वहीं उन्होंने कहा कि अब तक ऐसी कोई बैठक पार्टी में नहीं हुई है जिसमें वे दोनों ही एक साथ उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि हर बैठक ऐसी नहीं होती है जिसमें सभी का उपस्थित होना जरूरी रहे। जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रवक्ताओं की नई लिस्ट को किया जारी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव 32 साल पुराने मामले में फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं, मगर इस बीच उनकी पार्टी में फेरबदल का काम जारी है। इस कड़ी में पप्पू यादव के निर्देश पर जाप के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रघुपति सिंह ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और प्रांत स्तर के प्रवक्ताओं की सूची को जारी किया है। इसके मुताबिक 6 राष्ट्रीय एवं 11 प्रांतीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इसके मुताबिक जाप नेता दिनेश सिंह उर्फ भाई दिनेश को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं रामचंद्र सिंह यादव, प्रेमचंद्र सिंह, फजील अहमद, शोएब जमुई, रानी चौबे को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। आईपीएल में होगी 2 नए टीमों की एंट्री। क्रिकेट लवर्स के बीच T20 फॉर्मेट का सबसे पसंदीदा खेल आईपीएल अब और भी मजेदार होने जा रहा है। अगले साल आईपीएल में 2 नई टीमों के जुड़ने की संभावना अब लगभग तय मानी जा रही है। ऐसा होने पर अब 8 की जगह 10 टीमें आईपीएल में दिखेंगी। वहीं ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिलेगा। क्रिकबज के एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 14 के बचे मैचों के आयोजन से पहले ही बीसीसीआई नई टीमों को जोड़ सकता है। इस चर्चा के बीच अहमदाबाद के फ्रेंचाइजी का नाम जोरों पर है। हालांकि नई फ्रेंचाइजी को जोड़ने से पहले बोली की प्रक्रिया होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई जुलाई महीने में 2 टीमों के नाम का ऐलान कर सकता है। वहीं अगले साल खिलाड़ियों की नीलामी की तैयारी की जाएगी। देश भर में 102 दिनों के बाद कोरोना के 40,000 से कम मामले हुए दर्ज। देश भर में ताजा मामलों में कमी आने के साथ ही 102 दिनों के बाद 40,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,566 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 907 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 56,994 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,52,659 हो गई है। वहीं बात अगर हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 165 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 330 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,972 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.40% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए एक ही नंबर 102 जारी करने का फैसला मददगार साबित होगा या नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।